पटना में बढ़ने लगा बाढ़ का खतरा। गंगा के बढ़ते जलस्तर पर मुख्यमंत्री ने किया अलर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा किनारे वाले क्षेत्रों में बढ़ते जलस्तर पर अधिकारियों को अलर्ट किया है। उन्होंने ये निर्देश दिया है कि बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखकर सारी तैयारी रखें। मंगलवार को उन्होंने राजधानी के जेपी गंगा पथ होते हुए गांधी घाट तक का दौरा कर गंगा के बढ़ रहे जलस्तर का जायजा लिया। वापस लौटने के क्रम में मुख्यमंत्री दीघा स्थित जेपी सेतु तक गए और वहां बढ़ रहे गंगा के जलस्तर को देखा। जल संसाधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि सोन नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। गंगा के बढ़ रहे जलस्तर के निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने इसके आसपास के इलाकों की स्थिति को देखा। बाढ़ से बचाव को लेकर की गई तैयारियों के बारे में मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बात की। ये निर्देश दिया कि तैयारी पूरी रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री के साथ बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर उदयकांत मिश्रा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी गोपाल सिंह, पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि जिले में सोन और पुनपुन का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर दीघा घाट पर खतरे के निशान से 69 सेंटीमीटर नीचे है। हाथीदह में जलस्तर खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।